वाला शेयर एंड ये वाले वीडियो में अपन लोग देखने वाले की पॉइंट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है मेनली आप कह सकते हो कंक्लूजन है उनका। ऑलराइट, तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो आइडेंटिफाई करना सबसे पहली स्टेप होती है अपने ट्रेड को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करोगे, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू ड्रॉ एग्जैक्ट लाइन्स, ट्राई ड्रॉइंग जोन, है ना, जोन्स बनाना सीखो, ठीक है। देखो शुरुआत में अभी आपको लाइंस एंड जोन्स दोनों को बार बार बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। अगर आप चाहो तो बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ, वीक के टाइम फ्रेम में चले जाओ, कुछ दो तीन दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स में आइडेंटिफाई करो, प्लॉट करो, एंड उसके बाद वापस आ जाना कहाँ पर, छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि अपन लोग बेसिकली डे ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। एंड डे ट्रेडिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद में आप आगे का देख सकते हो, है ना। डोंट टेक अ ट्रेड जस्ट बिकॉज प्राइस हिट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मैं इसको बार बार बोलता हूँ एंड बार बार बोलता रहूँगा, क्या कि प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आया इसीलिए अपन कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। अपन को देखना है क्या, अपन को देखना है कन्फर्मेशन, है ना, स्ट्रांग है कि नहीं, कैंडल स्ट्रांग है कि नहीं, रिजेक्शन मिला है कि नहीं, सारी चीज़ें देखनी है, वॉल्यूम स्ट्रांग है कि नहीं, इंटरेस्ट है या नहीं है, मोमेंट या कि फिर ब्लाइंडली हो रहा है। अगर ब्लाइंड मोमेंट हुआ तो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, जहाँ पर अपन फंस जाएंगे तो अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। अपन इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे जब आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। जैसे ही आप ये पूरे फैक्टर्स को पढ़ोगे ना, अपन देखो कैंडल्स पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम्स पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़े ना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक भी आ रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अगर ऊपर नहीं आ रही तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की पूरी लिंक ले ली हुई है, तो एक एक करके पूरे लेक्चर्स को आप देखो, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स आता है तो बेसिक्स वाला हटा सकते हो, मैंने मेरी फोटो अलग अलग लगी हुई सब में, तो आप समझ जाओगे कि हम बेसिक के बाद का कहाँ से, ठीक है। ऑलराइट, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके इन सबको आप जब वीडियो देखोगे, सबका देखोगे, सब पे प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद अपन आगे मूव करेंगे। ऑलराइट, तो देखो यू नीड डायरेक्शन ऑफ स्टॉक, यानी कि अब आपको ज़रूरत है स्टॉक के डायरेक्शन की, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर साइड में जा रहा है, है ना। यही सारी चीज़ें हो जाती हैं क्या, यही सारी चीज़ें आती है ट्रेंड में, यही सारी चीज़ें आती है ट्रेंड में। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर कैंडल है इस तरीके से, ठीक, तो आप कंफ्यूज होते हो, है ना। मैं एक्चुअली वाइट बोर्ड चाहिए मेरे को, मैं एक मिनट वाइट बोर्ड पे लेकर चल रहा हूँ। या सी, अगर कैंडल कुछ इस तरीके से है, राइट, कैंडल है इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ आप लोग कन्फ्यूज़ होते हो कि मैं कैसे बनाऊँ, है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको जोन बनाने की कोशिश करो, या तो ना यहाँ बनाना है ना ही यहाँ बनाना है, दोनों को ज्वाइन करते हुए जोन बनाओ, यानी कि रेक्टेंगल वाला टूल को यूज़ करके जोन बना सकते हो, ठीक है। फिर से बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार, एंड सी रेड कलर, ये ना ही यहाँ बनाना है, ये ना ही यहाँ बनाना है, दोनों को ज्वाइन करते हुए, एक्चुअली ये विक पर होना चाहिए, दोनों को ज्वाइन करते हुए ये बनाना है जोन, ठीक है। एंड ये जोन पर फिर अपना एनालिसिस आगे चलाना है आपको। ऑलराइट, अभी सिंपल आपको जोन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट करने की कोशिश करनी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप जोन्स को प्लॉट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही आप आगे का कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। अभी तो आप इसी काबिल ही नहीं हो कि आप आगे की प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक। देखो अपन ने जब अपने पेपर ट्रेड वाला मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, अपन ने सबसे पहली स्टेप ली थी निफ्टी 50 का डायरेक्शन क्या हो रहा है ना, 0.25 से ऊपर है, नीचे है, या फिर बीच में है, ये अपन ने देखा था, है ना, ये अपन ने देखा था। एक्चुअली मैंने ये आपको बताया था अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो ये तीन होते हैं स्टॉक के डायरेक्शन। अब आपको स्टॉक का एक डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है, या तो अप ट्रेंड में होगा, या तो फिर डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर साइडवेज ट्रेंड में होगा। तो इन तीनों में से कुछ भी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्टॉक किस डायरेक्शन में है। तो ये अपन देखेंगे अगले ट्रेंड वाले वीडियो में। एंड मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूँ, क्या स्ट्रांग वॉल्यूम हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। देखो सपोर्ट है अगर, सपोर्ट है अगर, वॉल्यूम स्ट्रांग है, ब्रेकआउट है, तभी आप ट्रेड लोगे, ये अपन ने देखा। अब उसमें आप एक चीज़ और जोड़ दोगे, उसमें एक चीज़ और जोड़ दोगे, क्या एक चीज़ और जोड़ दोगे, वो ये क्या कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, यही अपन आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है।
आगे वाले लेक्चर में अपन वही चीज़ तो देखने वाले हैं ना, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट में है कि नहीं। ठीक है, तो अपन ने सपोर्ट वाला देख लिया, अब अपन देखने वाले हैं ट्रेंड वाला। तो फटाफट से राइट साइड पर आ रही होगी लिंक, क्लिक करो एंड अगले वीडियो में जाओ। अपन मिलेंगे अपने ट्रेंड वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।